हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माय हैक्स। माय नेम इज वर्षा एंड मैं यहाँ शेयर करती हूँ काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैक आइडियाज। सो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब एंड अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपसे कुछ हैक्स, किचन हैक्स, होम हैक्स शेयर करने वाली हूँ, अमेजिंग से है और काफी सारे हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा एंड आप अगर न्यू अपडेट्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। इस तरह की बास्केट आजकल हर कोई लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ये बहुत हैंडी भी होती है और इतना सारा स्पेस इसमें होता है तो यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। काफ़ी सारा सामान एक बास्केट में आ जाता है। नॉर्मली लोग इसको फ्रिज में ही यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रिज में निकालना रखना बहुत आसान होता है इसकी हैंडल की वजह से। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई भी दो वेजेस डालो तो मिक्स मैच हो जाती हैं, मिक्स उसमें हो जाती हैं। तो इसको इस तरह से कर लें मेरी तरह पार्टीशन और अब इसमें कोई भी वेजिटेबल डालें वो मिक्स नहीं होगी और दो तरह की वेजीज आपकी एक बास्केट में ईजिली आ जाएंगी। तो इसको एक रोप से मैंने इसमें पार्टीशन कर दिया है उनके होल्स में फिट करके। तो ये तो इस तरह की बास्केट को पार्टीशन करके आप ज़्यादा स्पेस में कम स्पेस में ज़्यादा सामान ईजिली रख सकते हैं, जरूर ट्राई करिएगा। एंड अब बटर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो बाहर रख दो तो पूरा मेल्ट हो जाती है एंड अंदर रख दो तो एकदम टाइट हो जाती है। तो जब भी ब्रेड सेकनी होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको पूरा ही मेल्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के मैं क्यूब्स करके रख लेती हूँ उनके और एक बॉक्स में रख लूँगी जब भी मुझे ज़रूरत है। बस थोड़े से क्यूब्स निकालने होंगे और ईजली बटर बस उतना ही मेल्ट करना पड़ेगा। वैसे इस तरह के क्यूब्स मार्केट में भी मिलते हैं, अलग अलग क्यूब्स वाले बटर भी मिलते हैं। बट पूरा बटर का पैकेट लो तो इस तरह से क्यूब्स करके आप आराम से रख ले सकते हैं और जब भी यूज़ करना हो बस दो तीन निकाले जितने भी ज़रूरत हो, बाकी का मेल्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका समय भी बचेगा और चीज़ें भी बचेंगी ख़राब होने से। अगर आपके बेड पे, साइड टेबल पे काफ़ी सारा क्लटर हो जाता है तो इस तरह की बास्केट का ज़रूर यूज़ करिए। इस तरह की बास्केट देखने में भी बहुत सुंदर लगती है एंड हैंडी भी काफ़ी होती है एंड स्पेस ज़्यादा होता है कि कितना भी सामान रख लो। जब हमारे रिमोट, बोटल्स या बुक्स यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं तो नॉर्मली एक बेड साइड टेबल पर एक बास्केट रखें, जितना भी क्लटर होगा उसी बास्केट के अंदर होगा, यहाँ वहाँ चीज़ें नहीं फैलेंगी। और अब रिमोट की बारी आती है तो ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं अगर रैप करके ना रखो तो। इनको एक सिंपल से बेबी वाइप से पोंछ लें, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, एकदम से चमचमा जाते हैं। कोई भी चीज़ वाइप करनी हो छोटी मोटी तो इस तरह के वाइप से कर सकते हैं, बेबी वाइप जो आते हैं। तो ये रिमोट एकदम से क्लीन हो गया है थोड़े से ही एफर्ट में, काफ़ी गंदा हो रखा था। एंड इसको मैं अब पॉलीथिन में पैक कर दूंगी और इस तरह के पॉली बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं इन सबको रैप करने के लिए। घर पे ईजिली मिल जाते हैं, कबर अबर लेने की ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा सेफ रहते हैं इन पॉलीथिन में। गिरते हैं या बच्चे हो घर पे तो फेंक एक ही देते हैं, गिर जाते हैं। तो इस तरह से बैग में रखेंगे, पॉली बैग में रखेंगे तो ये गंदे भी नहीं होंगे और सेफ्टी भी इनकी अच्छे से बनी रहेगी। तो मेरे सारे रिमोट्स मैंने इसी तरह की पॉलीथिन लगा दी है और ये काफ़ी सेफ्टी से बने रहते हैं। अब और एक बास्केट में मैं इसको रख देती हूँ, यहाँ वहाँ क्लटर नहीं होता है। अब जो बाइक मैंने यूज़ किया था उस वो अभी काफ़ी अच्छा है, गीला है। तो इस तरह से आप अपने कोई भी स्विच उनसे साफ़ कर सकते हैं, ईजिली साफ़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा बस पोछा और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं क्योंकि ये स्विच बोर्ड ऐसे होते हैं पूरे दिन चटपटाते रहो तो गंदे हो ही जाते हैं। हर घर में सिलेंडर होते हैं और वो देखने में काफ़ी गंदे लगते हैं, एकदम से मतलब गंदे गंदे से लगते हैं, अच्छा नहीं लगता और लगता है वो किसी तरह छुपा के रखते हैं। तो स्पेस अलग से रखने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाहरी कोने में रख सकते हैं जहाँ दिखें। बस उसके ऊपर एक आपको
क्लॉथ डालना है किसी भी तरह का, सुंदर सा दिखे जो, क्योंकि वो थोड़ा सा सामने दिखेगा, तो कोई क्लॉथ ऐसा ही डालना है जो सुंदर दिखे। एंड उसको कवर करने के बाद उसके ऊपर कोई भी आपका कार्डबोर्ड या प्लाई बोर्ड जो भी अवेलेबल हो वो रख सकते हैं। एंड इसके ऊपर अब आप अपने मन का कोई भी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी आइटम रख सकते हैं। और ये देखने में अब लगेगा भी नहीं कि ये सिलेंडर है, और गंदा जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। कोई भी कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए इस तरह आप अपनी घर पे पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ वहाँ रख नहीं सकते और घर में तो रहनी रहनी है इस तरह की चीज़ें, तो ट्राई करें उनको थोड़ा सा सुंदर बना लें और रख दें। उस पर आप फ्लावर पॉट कुछ भी रख सकते हैं, तो वो कितने सुंदर लग रहे थे देखने में। इसी तरह से ये बाहर पेंट की बकेट्स रखी हुई थी, तो मैंने एक और वीडियो में आपके साथ इसको स्वेटर से कवर करके बताया हुआ था, और मैं उसको ऐसा स्टूल वर्क करती हूँ, स्टूल के रूप में उसको रखती हूँ, और वो अपना सिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बैठती हूँ मैं उस पर। एंड अब मेरे पास एक पुराना स्कर्ट रखा हुआ था, काफ़ी दिन पुराना है ये और मैं यूज़ नहीं करती थी, तो इसको कवर कर दिया है मैंने अपने स्कर्ट से। एंड स्कर्ट से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है चारों तरफ से, और एक बकेट अच्छे से कवर होने के बाद इसको, इन सब पे मैं स्पेशली रखती हूँ अपने पॉट्स, क्योंकि वो ज़मीन पर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा हाइट देने के लिए ये सब अच्छे काम कर जाते हैं। इनमें पेंट है तो मैं बकेट का और कुछ यूज़ तो कर नहीं सकती, तो इस तरह से यूज़ करें, काफ़ी यूज़फुल होता है। कोई भी बेकार जो यहाँ वहाँ पड़ी चीज़ आप आराम से अपने घर के डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हुए बताते हैं, इस तरह की आटे की पॉलीथिन सबके पास ही आ जाती हैं, बैग्स जो होते हैं, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय मैं यूज़ करती हूँ कि इनका कुछ यूज़ कर लिया जाए कचड़े में फेंकने की बजाय। तो इसको काट के पोंछ के और बैक साइड से बिछाया हुआ है जैसे वाइट कलर है, तो ये देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये आटे की बैग है, आटे का बैग है। और इसको मैंने एक रैक पे बिछाया हुआ है, एंड इस पे अपना जो भी सामान रखना है वो रख देंगे, और इन आटे की थैलियों को आप अपने अलमारी में या किसी भी जगह आराम से यूज़ कर सकते हैं बिछाकर। तो इस तरह की रैक में नॉर्मली हम लोग प्याज लहसुन इसी तरह का आइटम यूज़ करते हैं हैं। अगर जिस घर में भी मेरी तरह कोई भी बर्तन वाला रैक ना हो तो आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको ऊपर से प्लेट स्टैंड रख दिया है, एंड उसके ऊपर अपने सारे प्लेट्स मैं रख देती हूँ ताकि और प्लेटफॉर्म पे कोई जगह ना ले, और यहाँ पर एक स्पेशल स्पेस उसके लिए हो, और वो काफ़ी पूरे में आ जाता है। तो मैंने अब ट्राई किया है कि मैं एक कार्डबोर्ड में सारी प्लेट्स अपनी डाल के रखूं जो डेली यूज़ की होती हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं निकाल के रखी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, हम दोनों के लिए इतना सफिशियंट होता है सामान। तो मैंने सारी अपनी प्लेट्स इसमें रख दी हैं, अब पहले की अपेक्षा ये कम स्पेस ले रही हैं, तो अच्छा स्पेस बचाते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर आप ट्राई करेंगे तो इसको कवर कर लें तो सुंदर भी लगते हैं। और ये रैक मेरी कंप्लीट है। अब हमारे घर में क्लटर अधिकतर फैलाते हैं क्या, ये जो अपने लिड्स होते हैं टिफिन के, ये काफ़ी क्लटर फैलाते हैं, यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर मिलते नहीं हैं जब भी ज़रूरत होती है, तो इनके लिए भी हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो इस तरह के कुछ कार्डबोर्ड्स रखे हुए थे तो मैंने उनको कट कर लिया है, एंड अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको अपना कवर कर लेंगे। बट अभी मैं एज आ एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, कवर मैं फिर कभी करूँगी। तो ये अपने किसी भी कबर्ड में रख दें, एंड इसके अंदर आप अपनी लिड्स अरेंज करके रख सकते हैं, और फिर सारी लिड्स एक ही जगह पे आपको मिलेंगी और ईजली अवेलेबल होंगी, एंड सामने रहेंगी निगाहों के तो खोएंगी भी नहीं, और जब भी चाहें आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह के कार्डबोर्ड्स का यूज़ करके आप कई पार्टीशंस बना के अपनी किचन की सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर अपने एक अलमीरा में रख देती हूँ, और इसके पीछे काफ़ी सारा सामान है, जब भी सामान उठाना हुआ बस सीधा कार्डबोर्ड्स ही उठाने हैं, और सारा सामान उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, पीछे का सामान आराम से निकल आएगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए। बट अभी ये कबर्ड के अंदर है तो देखने में भी उतना गंदा भी नहीं लगेगा, फिर मैं कभी पैक कर दूँगी उसको।
और अगर आप भी मेरी तरह कोई भी आइटम किचन का ख़त्म हो जाता है और लिखना पसंद करते हैं, तो इस तरह से आप एक पेपर को लीजिए और छोटे छोटे मैग्नेट से उसको चिपका दीजिए। मैग्नेट से ऐसी चीज़ होती है जो आराम से, छोटे छोटे मैग्नेट 10-10 रुपए के आ जाते हैं और कोई भी डबल साइडेड टेप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटा सा पर्चा लिया और जब भी जो भी सामान ख़त्म हो गया वो अपना इस पर नोट डाउन कर लिया। फ्रिज पर आसानी से नोट डाउन भी हो जाता है जब भी जो ख़त्म हो। तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो लाइफ, डेली लाइफ को आपको ईजी बनाएंगे एंड टाइम, स्पेस, मनी सारा सेव होगा आपका। तो हमारे यहाँ जो कढ़ाइयाँ होती हैं स्टील की, वो काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे साफ़ होंगी। तो सिंपल सा, इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है, मीठा सोडा जो भी फूड का होता है, एंड नींबू या विनेगर, दोनों चीज़ों में से कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट इसको लगाकर छोड़ दीजिए एंड फिर उसको सुबह से क्लीन कर दीजिए। अब जब मैं साफ़ कर ही रही थी तो और भी चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। अब ये जो टिफिन की लिड्स होती हैं वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं, तो एक बाउल में गर्म पानी लेना है एंड उसमें बेकिंग सोडा, देन थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है और ये लिड्स इसमें डाल देंगे। इनको बस 15-20 मिनट छोड़ देंगे। अब ये पानी रखा ही हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ये भी डाल देते हैं अपने बर्नर। तो ये सारा मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, तो मैंने साइड में रख दिया है। एंड अब कुकर भी मुझे साफ़ करना था, जब मैं बर्तन साफ़ कर ही रही थी तो सोचा कुकर भी साफ़ कर लें, क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े कुकवेयर होते हैं सुबह से जल्दी जल्दी काम में साफ़ नहीं हो पाते हैं बहुत अच्छे से। तो वो हफ्ते में एक बार मैं इस तरह से ट्राई कर देती हूँ उसको कि वो साफ़ हो जाएँ। अब इसको साफ़ करना था तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मैं अपना क्लॉथ भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बचाना है तो एक साथ सारा कुछ कर लो तो टाइम भी बचता है और चीज़ें भी बच जाती हैं ज़्यादा फैलने से। इसमें ऐड करना है थोड़ा सा अपना लिक्विड वॉश जो कपड़े धोने का आता है, विनेगर एंड नींबू। इतना ही ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने ओवरनाइट के लिए रख दी हैं। अपने सोने से पहले ये सारा मैंने काम करके रख दिया था एंड जैसे ही मॉर्निंग से उठो ये सारा अपना क्लीन कर लो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और अगर फ्रिज की ये लिड्स से थोड़ी सी, सॉरी फ्रिज की नहीं, टिफिन की लिड्स थोड़ी सी लूज़ हो गई हैं तो उन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें तो वो अपने आप टाइट हो जाएंगी। एंड बस इनको रगड़ना है थोड़ा सा, जो हैंडल्स अपने गर्म गंदे हो जाते हैं तो गर्म पानी से आसानी से छूट जाएंगे। थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से उसको रगड़ दीजिए और हमारे बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा काम में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर दी हैं, सारी साफ़ कर दी हैं। तो इन सब चीज़ों का ट्राई करके आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं एंड अपना मनी, टाइम सारा कुछ सेव कर सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कैसे लगे आपको मेरे आइडियाज़ ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।